आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अक्टूबर हो गई है, अक्टूबर का महीना समाप्त होने वाला है और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए हैं। नया अपडेट यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखें कि पहाड़ों पर आना शुरू हो गए हैं और ये एक अच्छा संकेत है। अगर अक्टूबर के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाता है तो नवंबर में हो सकता है कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, दिसंबर में भारी स्नोफॉल हो जाए, नवंबर में भी सेकेंड हाफ में यूजुअली स्नोफॉल बढ़ जाता है और अगर स्नोफॉल बढ़ता है तो भारी बर्फबारी का फायदा नदियों को मिलेगा, वहां की फसलों को मिलेगा और फिर जो प्रकृति है वो फिर से एक तरह से मतलब उसमें जो नया निखार आता है और वहां से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर पहाड़ों पर इस जगह पर आता है, मान लीजिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये मेडिटेरेनियन सी से यूजुअली बादल उठते हैं इस तरह से आगे आता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा तो क्या होता है कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमती हुई चलती हैं। ये है, ये हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता है और जब इंड्यूज साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है उत्तर भारत में तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, ये इंड्यूज साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो गया तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी। तो ये जो हवाएं जब घूमने लग जाती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर नमी आती है और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाती है, जो सर्दियों की बारिश होती है उससे भी पॉल्यूशन धुल जाता है और सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब अप्रोच कर रहा होता है तो हवाएं इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने लग जाती हैं। अब मान लीजिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया, अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया आगे, ये इस तरह से मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गया तो क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है वो इस तरह से आना शुरू हो जाती है। जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका होता है, पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ा, हवाओं की दिशा चेंज हुई और फिर ये उत्तर पश्चिम दिशा से आने लगी तो जो बर्फीली हवाएं जहां से बर्फबारी हो चुकी है वहां से जब ठंडी हवाएं आती हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक का तापमान गिरा देती है, कभी कभी महाराष्ट्र तक भी और तेलंगाना तक भी ये हवाएं पेनिट्रेट करती हैं और तापमान को गिरा देती है। अगर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 5 या 6 दिन बाद आता है तो 3-4 दिन मौका मिल जाता है हवाओं को नीचे तक पहुंचने का और तापमान गिर जाते हैं। लेकिन अगर एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो हवाएं उत्तरी नहीं हो पाती और तापमान नहीं गिर पाते, तो ये एक डिफरेंस है कि इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो ये इस तरह का बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। और अगर ये जो जैसे अभी आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा असर नहीं होगा, उत्तरी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के कुछ इलाके वहाँ पर दिखाई देगा और जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बर्फबारी और बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब ये पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान ये इलाका पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं तो ये सूखी हवाएं हैं, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो पंजाब के तापमान ज्यादा रहेंगे सामान्य से ज्यादा, दिल्ली में भी गर्मी दिन में रहेगी, रात थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है, उसी तरह पंजाब और हरियाणा में भी 15-16 डिग्री तक तापमान आने की संभावना है, ये न्यूनतम तापमान है, 16 डिग्री के आसपास कई इलाकों में रह सकते हैं लेकिन दिन अभी भी गर्म रहेगा। राजस्थान में कई इलाकों में जो टेम्परेचर है 38 और 39 डिग्री के आसपास रहेंगे और गुजरात में भी 38, 37 और 40 डिग्री तक भी तापमान रह सकते हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है इन इलाकों में। तो ये सारे इलाके तो सूखे रहेंगे, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। अगर हम देखते हैं तो इनमें अगर ये देखिए उत्तर प्रदेश में अब देखिए कि पूरा जो आपका है मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और मेरठ मुजफ्फर के बाद ये अपना लखनऊ, कानपुर, औरई, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गोरखपुर, वाराणसी और उसके आसपास के इलाके में, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, उसके बाद वहां पे भी मौसम साफ हो जाएगा। और अगर बिहार की बात करें तो पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं, भागलपुर और ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और उसी तरह से झारखंड के कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ही हल्की बारिश रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से रहेगा। और अगर इसको और आगे चलते हैं हम, ये वेदर सिस्टम है यहाँ पर, और अगर इसको और आगे चलते हैं हम, आप 29 तारीख की बात करते हैं तो पहाड़ों पर तो हल्की बारिश रहेगी लेकिन आप देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल के कई इलाके हल्की बारिश देखेंगे और बिहार का मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा, उत्तर प्रदेश का साफ होने लग जाएगा लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड
ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि रीवा, सतना, सिद्धी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, दमोह, कटनी, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। नरसिंहपुर तक भी बारिश आ सकती है। उसी तरह से अंबिकापुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, बलौद बाजार और कांकेर, ये सारे जो इलाके हैं आपके बस्तर तक बारिश देखेंगे। उसी तरह से पूर्वी जो ये है आपका ये नागपुर, अमरावती और वाशिम, भंडारा और गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर विदर्भ में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और जो उड़ीसा है वहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी और आपका जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बहुत हल्की बारिश रहेगी और जो बिल्कुल विदर्भ से लगे हुए तेलंगाना के इलाके हैं वहाँ पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अंदरूनी इलाके अकोला, जलगांव, नासिक, मालेगांव और संभाजीनगर और उसके आसपास के इलाके नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परवनी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से गुजरात में गर्मी ज्यादा रहेगी। मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़, ये यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में हल्की बारिश हो सकती है। गोवा में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर और हम दक्षिण में चलते हैं तो आप देखिए कि ये जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा से लेकर के आपका बेलगावी, होनावर, कारवार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और जो ये चिकमंगलोर, बेंगलोर, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, ये जो साउथ इंडिया कर्नाटका, यहाँ पर भी बारिश होगी और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी और चेन्नई सहित जो उत्तरी तमिलनाडु है यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में मौसम लगभग साफ रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दो समुद्री तूफान बने हुए साउथ चाइना सी में, एक तरामी है और दूसरा कोंग रे है, दो तूफान है, लेकिन उनका असर भारत के ऊपर दिखाई नहीं देगा। जो भारत के ऊपर दाना जो तूफान आया था जिसका नाम कतर ने दिया था, जिसका मतलब होता है उदारता या जनरोसिटी, वो अब समाप्त हो गया है, उसी का अवशेष साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अब अच्छा मौसम रहेगा, यानी कि सूखा मौसम रहेगा, अच्छा तो नहीं कह सकते इसको, सर्दियां आने में थोड़ा समय है और सर्दियां समय से आना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि किसान भाइयों के लिए सारे मौसम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेकर के आते हैं फसलों पर। अगर सर्दियां अच्छी पड़ती हैं, जल्दी पड़ती हैं, तो रबी की फसल में दाना वगैरह सही रहेगा और फसल की पैदावार भी अच्छी रहेगी। बारिश नहीं होनी चाहिए ज्यादा तेज, ओले नहीं गिरने चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की बौछारों के साथ सर्दी बढ़ जानी चाहिए। तो ये उम्मीद है कि नवंबर के सेकेंड हाफ में जाके सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जो कमी है जो भी फसलों के लिए वो पूरी हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।